दोस्तों, अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया था और आपका जो है सभी जगह से वेरीफाई हो के पेमेंट के मेथड पे चला गया था, तो आपके लिए एक बड़ी पे जो है अपडेट आया, यानी कि बड़ा बदलाव आ चुका है, बड़ा चेंजेज है। वो चेंजेस क्या है पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप के फॉर्म में, हम वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे यह नया बदलाव क्या है और आपका पैसा कब तक आपके अकाउंट में PFMS के माध्यम से आ जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि जिन लोगों का सेंट टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ था, अब उन लोगों का जो है रेडी फॉर पेमेंट लिखा गया है। आपको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे करके, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का अपडेट पाने के लिए, क्योंकि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ अपडेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेकर आया करते हैं और आप लोग के साथ साझा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके रिगार्डिंग प्रत्येक अपडेट सबसे पहले हमारे माध्यम से मिले, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले एक स्टूडेंट का हम दिखा दे रहे हैं जिन्होंने सेंड किया था कुछ दिन पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं उनका जो है सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट था। अब उसका जो नया स्टेटस है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिए, उन्होंने भेजा है हमें, जिसमें कि इनका दोनों 19-20 और 20-21 का जो स्टेटस है, देख सकते हैं यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट लिखा चुका है। अब रही बात कि सेंड टू डिपार्टमेंट है या फिर रेडी फॉर पेमेंट है, दोनों का जो है मतलब क्या है और दोनों में कौन सा लिखा रहेगा तो बेस्ट रहेगा, आइए आपको हम समझाते हैं। सबसे समझिएगा, अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ था या फिर अगर ये लिखा हुआ है रेडी फॉर पेमेंट, तो ये दोनों में से जो लिखा हुआ है, इस दोनों में से पेमेंट सबसे पहले किसका आएगा उसके अकाउंट में, हम ये पहले बता देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल में ही जो है बहुत लोगों का पेंडिंग दिखाया गया था, पेंडिंग के बाद जो है लिखा हुआ था जो है सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। अब जो है हाल में ही आज जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है पोर्टल पर, अगर आप लोग का सब जगह से वेरीफाई हो चुका था तो अब आप जाके पोर्टल पर चेक करिएगा तो देखने को मिलेगा रेडी फॉर पेमेंट। अब ये नया अपडेट क्या है, आखिर अगर रेडी फॉर पेमेंट लिखा चुका है तो कब तक आपके अकाउंट में PFMS के द्वारा आप पोस्ट मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप की राशि है कब तक भेज दी जाएगी, आइए हम बताते हैं। लेकिन बता दूं मैं क्लियरली कि अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ था तो अब ये नया बदलाव जो है रेडी फॉर पेमेंट होकर आ चुका है, ये आप पेमेंट स्टेटस में जाके देख सकते हैं। हमने देखिए एक का जो बच्चे का रखा है, देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो देखने को मिलेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट अब लिखा रहा है, जबकि इससे पहले जो है सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ था। इसका मतलब आप दोनों का पहले मतलब समझ लीजिए कि दोनों का मतलब या फिर मीनिंग क्या होता है। अगर आपका लास्ट ऑप्शन में जाके पेंडिंग के बाद जाके अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा था, इसका मतलब है कि चारों जगह पांचों जगह से जो आपका वेरीफाई हुआ है, लास्ट ऑप्शन में जाके आपका जो है अकाउंट वेरीफिकेशन होता है डिपार्टमेंट से कि आपका सब डिटेल्स सही है। अगर आपका सब डिटेल्स सही पाया जाता है, एक मुश्त सही एकदम बिल्कुल करेक्ट पाया जाता है, उस केस में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ से पेमेंट के लिए भेजा जाता है। अगर आपका यहाँ पे सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट था, अगर आप इसका ये हटकर अब रेडी फॉर पेमेंट लिखा चुका है पेमेंट स्टेटस में, तो मैं बता दूं अब आप जो है पेमेंट आपको बहुत जल्द आपके अकाउंट में आने वाला है। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा था तो चलिए आपका वेरीफाई हो गया, अब रेडी फॉर पेमेंट है तो पेमेंट कब तक आएगा। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट कब तक आपके अकाउंट में PFMS के माध्यम से भेज दी जाएगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए इसकी कोई टाइम टेबल नहीं होती है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि पैसे कब आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर ऐसा हो जाता है रेडी फॉर पेमेंट आपका लिखा गया, यानी कि ये वाला कन्वर्ट था और ये कन्वर्ट होकर ये लिखा चुका है, तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है कि आपको हफ्ते दो हफ्ते में या फिर 2 से 3 दिनों में आपका पैसा आ जाएगा। हम आपको बता दें हाल में ही एक स्टूडेंट का ये लिखा हुआ था और उनका जो है रेडी फॉर पेमेंट लिखा है और उसके अगले दिन ही पेमेंट जो है 2906 रुपये आ चुके थे। हालांकि इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है क्योंकि उस स्टूडेंट से हमने बात करा, उससे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हें स्क्रीनशॉट भी दिया था हमें, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें बताया कि मुझे वीडियो बनाना है तो उन्होंने जो है अपना स्क्रीनशॉट डिलीट कर लिया था। तो वैसे केस में हम आपको प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो है जिन लोगों को देना है, लेकिन आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे माध्यम से कोई भी चीज़ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट डिलीट मत करा करिए। अगर आपको अपने प्राइवेसी का थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं मेरा प्राइवेसी लीक हो जाएगा, तो आप हमें बताएं, हम उसे ब्लर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात, हम आमतौर पर वीडियो को एडिट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं रहता है, हम एक कैफे चलाते हैं उस दरमियान में हम वीडियो भी शूट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप भेजना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल आप सजा कीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चले
कि अगर नया अपडेट क्या है पोस्ट मैट्रिक के रिगार्डिंग। अदरवाइज आप समझ गए होंगे कि सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ था वो कन्वर्ट होकर रेडी फॉर पेमेंट लिखा चुका है, और अगर ये लिखा हुआ आपके पोर्टल पर शो कर रहा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपको जल्द से जल्द आपके अकाउंट में PFMS के माध्यम से पैसे भेज दिए जाएंगे। हाँ, इसी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं हफ्ते दो हफ्ते काफ़ी हैं ये पेमेंट आने के लिए। दोस्तों, अगर आपको इसका पेमेंट आ जाता है तो प्लीज़ आप हमें अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप नंबर को नहीं लिख पाए हैं तो ये नंबर है हमारा, लिख लीजिए। आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट साझा कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आप अगर इंस्टेंट रिप्लाई का अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप ये उम्मीद हमसे ना करें, क्योंकि हम एक कैफ़े चलाते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता है। लेकिन जब भी हम फ्री होते हैं कोशिश करते हैं कि जो है आपको बल्क में रिप्लाई करें, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज आता है, 300-400 मैसेज रहते हैं, तो मैं प्रत्येक का रिप्लाई नहीं दे पाता। मैं देखता हूँ कि किन लोगों का सही मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं उन लोगों का रिप्लाई कर पाता हूँ। हालांकि आप लोग का बार बार कमेंट भी रहता है कि आप जो है रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, तो भाई देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि एक कोई समय सीमा नहीं है आपके रिप्लाई का। आप हमें कमेंट या फिर मैसेज करते हैं आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो, हमारा यह अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ था तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक बड़ा बदलाव है कि रेडी फॉर पेमेंट लिखा गया है। ये ऐसा ही होता है कि आप जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पैसे जल्द से जल्द आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। इस तरह की अपडेट वीडियो के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं। लव यू।